नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो कोरोना की जो थर्ड वेव के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा और गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया है कि सितंबर के बाद कभी भी कोरोना की जो थर्ड वेव है, जो तीसरी लहर है, वो स्टार्ट हो सकती है। अमेरिका और जो यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं उनमें ऑलरेडी ये वेव आ चुकी है और अमेरिका में अभी चौथी जो वेव है, फोर्थ वेव है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो थर्ड वेव होगी ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमारा देश सेकेंड वेव से भी उबर नहीं पाया कि अब थर्ड वेव की बात होने लगी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस थर्ड वेव से अपने आप को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या होम्योपैथी में ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिंस हैं जिनसे आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इस थर्ड वेव से या आने वाली और भी वेव से बचा सकते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, जिससे कि आगे भी आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो कोरोना की जो ये तीसरी लहर है, जो थर्ड वेव है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि ये बच्चों के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं वो सब हमें करना है, जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, जब भी घर से बाहर आते हैं उनको धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क का प्रॉपरली उपयोग करना है और बिना वजह बाहर नहीं जाना है। और बच्चों को तो बाहर कोई ऐसा काम नहीं है, तो एटलीस्ट हम बच्चों को तो बाहर ना भेजें और उन्हें जो साफ सफाई की सभी चीज़ें उन्हें समझाई जाएं, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो के खाना खाएं। और एक और जरूरी बात है कि सैनिटाइजर का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो डेलिकेट होती है और जितने भी सैनिटाइजर है इसमें 70% से ऊपर अल्कोहल की मात्रा होती है जो स्किन को खराब कर सकते हैं या बच्चों को स्किन एलर्जीज हो सकती है। तो जब वो घर में है तो साबुन से ही हाथ धुलाने, अगर कहीं बाहर हैं जहाँ मजबूरी है तो वहाँ सैनिटाइजर का उपयोग करें, वरना घर में है तो सिर्फ साबुन से ही हाथ धो, वो उनकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो ये तो जो सावधानियाँ हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वो हैं। उसके बाद होम्योपैथी में ऐसी क्या दवाइयाँ हैं जिनको आप देने से एक बचाव का काम भी कर सकते हैं और वी कैन से इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आप सभी को इसके बारे में पता है, हम शुरू से आर्सेनिक एल्बम प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव भी साबित हुई है। तो दोस्तों, थर्ड वेव में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है बचाव के लिए। तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की, अगर बच्चा 1-1.5 साल से छोटा है तो एक बूंद देना है 1 चम्मच पानी में, और अगर 2-3 साल तक का बच्चा है तो आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दे सकते हैं, और बड़े बच्चों को 12 साल के बच्चों तक 3 या 4 बूंद दे सकते हैं, और बड़े लोग भी इस दवाई को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए इफेक्टिव रहेगी, थर्ड वेव में ये जो वयस्क लोग हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है, और बड़ों को 4 से 6 बूंद लेना है। लेना कैसे है? सुबह शाम खाली पेट लेना है, जैसे मैंने ड्रॉप्स बताई है उसी हिसाब से 2 बूंद 3 बूंद 1 चम्मच पानी में, और 3 दिन तक लेना है। और उसके बाद अगर आसपास इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हर 15 डेज पे, हर 15 दिन बाद इसको रिपीट करना है। तो जैसे आपने अभी 3 दिन लिया, फिर 15 दिन बाद फिर से 3 दिन लेना है, और ऐसे हर 15 दिन पर रिपीट करना है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये नॉर्मली फ्लू और जो कोल्ड होता है, जुकाम होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है इचनेसिया 30। इचनेसिया एक ऐसी दवाई है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। अक्सर जो बच्चे बार बार पेरेंट्स की शिकायत होती है बहुत जल्दी बीमार होते हैं या जरा सा मौसम चेंज होता है, खांसी जुकाम होता है, तो उस केस में भी उनकी जो इम्यून सिस्टम जो वीक हो गया है उसको बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इचनेसिया दी जाती है।
इस केस में भी आप इचनेसिया 30 की सेम वैसे ही उतनी ड्रॉप्स देनी है सुबह शाम 3 दिन तक, और इसको भी 15 दिन बाद रिपीट करना है। जैसे कि फर्स्ट वीक में आपने आर्सेनिक एल्बम 30 दी, नेक्स्ट वीक में इचनेसिया 30 3 दिन तक दी, फिर उसके बाद फिर आर्सेनिक एल्बम 30 दी, और उसके बाद फिर इचनेसिया 30, मतलब महीने में 2 बार आर्सेनिक दिया 3 दिन तक और 2 बार इचनेसिया 30 दिया 3 दिन तक। तो इस तरह आप एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन इसका यूज कर सकते हैं, और ये बच्चों के जो इम्यून पावर है कोरोना से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगी। फिर एक कॉम्बिनेशन है जो अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसे आप बना के घर में रख सकते हैं, और बीच बीच में जैसे आप काढ़ा पीते हैं या कुछ और घरेलू उपाय करते हैं, उसकी तरह ये होम्योपैथिक मेडिसिन को भी यूज किया जा सकता है। पहला नाम है इसमें इचनेसिया, मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आप इचनेसिया 30 नहीं दे रहे हैं तब आप इसमें इचनेसिया मदर टिंचर मिला सकते हैं। अगर आप इचनेसिया 30 अलग से दे रहे हैं तो इचनेसिया मदर टिंचर ना भी मिलाएंगे तो चलेगा। दूसरा नाम है ओसिमम सेंट। ओसिमम जो हमारे घरों में तुलसी होती है उसी का नाम है साइंटिफिक नेम, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो तुलसी से बनाई जाती है। तो ओसिमम सेंट की मदर टिंचर लेना है आपको। तीसरा है टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया मदर टिंचर। ये दोस्तों गिलोय का ही होम्योपैथिक नाम है, गिलोय के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो आपने इचनेसिया लिया, ओसिमम लिया और गिलोय लिया, इन तीनों की बराबर मात्रा मान लो 10-10 बूंद या 20 बूंद आपने बराबर मात्रा एक खाली सीसी में मिक्स करके रख लेनी है, और हर बार लेने से पहले उसको अच्छे से शेक करके और सुबह शाम 5-5 बूंद एक हफ्ते तक लें, और हर महीने इसको एक एक हफ्ते के लिए रिपीट करें। तो ये भी आपके अंदर इम्यून पावर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे लेके जिसे आप स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर दें। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी बताया कि सितंबर से थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है, तो अगर हम इसे पहले से लेना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस इन्फेक्शन को या अपने बच्चों को या अपने आप को कोविड की जो थर्ड लेयर है, थर्ड जो वेव है, उससे बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के काम आएगी, और अगर किसी को भी इस जानकारी से फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाना काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और मैं चाहूँगा आप ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।